ये नहीं होता, शिमला में बादल होते हैं और बर्फ होती है। तो ये भी तो शिमला ही है, इतना बढ़िया मस्त चारों तरफ बादल बादल दिख रहा है, पहाड़ जो आसपास के वो दिख ही नहीं रहे, तो शिमला से कम थोड़ी ना। स्वागत है आप सभी का हमारे नए ब्लॉग में, और हम आ चुके हैं शिमला, बिहार के शिमला गया में। आप सभी देख सकते हैं पीछे कितना शानदार मौसम हुआ है, और आज के दिन की शुरुआत करेंगे हम इस शानदार से मौसम और शानदार से जलवे के साथ। तो आज का हमारा प्लान है मुरली पहाड़ जाने का, काफ़ी हाइट पे, ज़्यादा नहीं बट मेरे को लग रहा है 10 to 15 minutes का यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस है, हम मुरली पहाड़ जाएंगे। ऊपर एक वाइट कलर का टेम्पल दिख रहा होगा, हम जा रहे हैं वहाँ पे, और ये है यहाँ के रास्ते, थोड़े से ये गंदे हैं वैसे तो नो डाउट, बट आई होप कि आगे अच्छे हों, और यहाँ के रास्ते हैं थोड़े से खतरनाक से। और ये क्या है, आई डोंट नो व्हाट इज दिस, बड़ा सा गोल सा टंकी, कुछ ना कुछ तो होगा, टंकी है, पानी की टंकी, पानी की टंकी है, पानी टंकी है दोनों, और वो नीचे वाला भी, तीनों सारी, अच्छा अच्छा, तो ये है पानी की टंकियाँ, थोड़ा सा मेरे को अजीब सा लगा कि क्या है ये, बट पता चला कि पानी टंकी है। अच्छा जैसे कंस्ट्रक्शन चल रहा है वही उसी का, तो यहाँ पे एक और कंस्ट्रक्शन चल रहा है पानी की टंकी का। ऊपर जाने का रास्ता किधर से, इधर से ऊपर चढ़ोगे इस पे, कहीं से भी चढ़ जाएंगे कोई दिक्कत नहीं, टंकी के ऊपर आते वक्त चढ़ लेंगे, टंकी के ऊपर कोई दिक्कत नहीं, ऐसा लगेगा ना कि पीछे गिर रहा है। चढ़ाई है थोड़ी सी, हाइट अच्छी खासी हाइट है यहाँ पे, हाँ ब्रह्मजुनी भी जाएंगे अब, अगर आज तो लग नहीं रहा टाइम मिल पाएगा, कल निकलेंगे, कल ही चलेंगे। ओ भाई अच्छी खासी हाइट है यहाँ पे, देख के आइयो, पैर रखने वाली जगह बने वहाँ से, वहाँ पे रखियो, दूसरे से स्लिप करेगा नीचे, और काफ़ी गर्मी होने लगी अभी से, धूप लग रही एकदम सीधे फेस पे। यह शूज ना पहन के आने का नतीजा, मैं चप्पल पे ही आ गया हूँ तो थोड़ा सा ग्रिप करने में दिक्कत हो रहा है, चप्पल में पैर स्लिप होता है और चप्पल अलग से स्लिप होता है, ग्रिप में थोड़ी सी दिक्कत है, और गर्मी हो रही है अलग, क्योंकि मैंने वो बॉडी वार्मर के साथ साथ स्वेटर भी पहन रखा है, और ये झाड़ियाँ चुभ रही हैं अलग से हाथों में पैरों में, और हमें आदत नहीं है भाई, थका तो नहीं मैं, लेकिन इचिंग हो रही है बॉडी में क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है। यहाँ पे हाँ दिख तो बढ़िया रहा है वैसे, देख लेते थोड़ा, प्रॉपर ट्रेकिंग जैसा है थोड़ा थोड़ा, बट मैं स्लीपर्स में आया हूँ तो इसलिए मेरी थोड़ी दिक्कत हो रही है चढ़ने में, शूज तो ग्रिप बनता है बट शूज है नहीं मेरे पास अभी, तो ग्रिप बनाने में हो रही है दिक्कत। हाँ हाइट काफ़ी अच्छी है, तो पीछे हमारे जस्ट पीछे मंदिर है, ऑलमोस्ट पहुँच चुके हैं, देखने में लग रहा है एकदम पास में है बट इतना पास है नहीं, अच्छा खासा डिस्टेंस है यहाँ से, पूरा घूम के इधर से निकलना पड़ेगा अंदर से, ठीक है, और पीछे बढ़िया नज़ारा है, जगह भी अच्छा है, गर्मी हो रही है क्योंकि मैंने बॉडी वार्मर साथ साथ एक हुड पहन रखा बड़ा सा, ठीक है, वैसे काफ़ी गर्मी हो रही है, चप्पल पहन के आना भी एक गलती थी ओबियसली क्योंकि ये चुभ रहा है पैरों में। अच्छा अभी एक चीज़ थी कि मैं सोचा था कि मंगला गौरी मंदिर जो है उस पर एक स्पेशल व्लॉग बना दूँ, है ना, और थोड़ा सा मंदिर की खासियत भी जानेंगे, उसके से एक स्पेशल ब्लॉग बनाओ, कुछ खासियत है, कुछ मान्यताएं हैं क्या इस मंदिर के, ठीक है, तो अगर तुम लोग चाहते हो कि उस पर एक ब्लॉग बनाऊँ तो प्लीज़ कमेंट करो, DM भी करो इंस्टाग्राम पे कि हाँ उस पर एक स्पेसिफिक ब्लॉग बना देता हूँ मैं,
ठीक है, झाड़ियों को हटाने के लिए हाथ आगे कर दे रहे हो पहले ही, स्टिक भी नहीं है यहाँ पे कोई अच्छा सा। फाइनली डेस्टिनेशन कवर हो गया है, हम आ गए हैं मंदिर पे और जगह बहुत ही बढ़िया लग रही है मेरे को तो भाई, नज़ारा बढ़िया यहाँ से है जगह। सॉरी नज़ारा कैसा है यहाँ से? बढ़िया, मज़ा आ रहा है, पूरी पहाड़ियाँ वगैरह सब दिख रही है यहाँ से। ओ भाई ऑलमोस्ट पूरा सिटी दिख रहा है। देख के चुभ रहा है ये वाला, यहाँ पे कुछ गेम चल रहा है। किस बात का गेम है भाई ये, क्या गेम चल रहा है? गिल्ली डंडा। अरे भाई गिल्ली डंडा खेलने का अलग ही मजा है। बाइक चला दूं? कैसे? तो कॉप वाली बाइक नहीं आती। अच्छा डर्ट बाइक। डर्ट बाइक ना? हाँ डर्ट बाइक आराम से आ जाएगी। हाँ डर्ट बाइक तो आ जाएगी, चलाने वाले को आना चाहिए उतना। मेरे को तो डर्ट बाइक नहीं चलाने आती भाई, मतलब बाइक चलाने आती है बट डर्ट बाइक ले लूँ तो 10-1 महीने प्रैक्टिस करूँगा। हाँ वही तो, रास्ते एक बार याद हो जाए, रास्ते तो याद ही होंगे तुमको, प्रैक्टिस करने का एक बार रह जाएगा रास्तों पे। बात करते करते हम आ गए नीचे भाई, चलो ऊपर चले, इसके ऊपर चलो। हाँ चलो चलो कोई दिक्कत नहीं। सॉरी भाई चलोगे आप? चलो चढ़ जाओगे? मैं तो चढ़ जाऊंगा। सॉरी भाई चढ़ जाओगे ना? हाँ मेरे को पता है इसके वो थोड़े से उतरने में बहुत डिफिकल्टी है ना, सीढ़ी मतलब उधर लगी पड़ी है ना, जुड़ी पड़ी है, हिलती है सीढ़ी, ऊपर से तो जुड़ी पड़ी है ना। हाँ जुड़ा है, गिरेगा थोड़ा सा, ऐसा फंसा है बस, ज्यादा कुछ नहीं, थोड़ा हिलेगा कोई नहीं। चल ऊपर बैठेंगे आराम से, टूटा उठ जाएंगे पैर। अरे चलो ना ऊपर, लटक के उठ जाएगा। हाँ हाँ आराम से चढ़ जाऊंगा, तो थोड़ा सा आराम से चढ़ेंगे अपन, पकड़ना। एडवेंचर कंटिन्यू करते करते हम चढ़े पानी की टंकी पे, बट ये काफ़ी फेमस यहाँ पे, लोग चढ़ते, ऐसा नहीं है कि मतलब चढ़ नहीं सकता था कोई, चढ़ने लायक है ये तो, ऐसा घबराने की कोई बात नहीं। मैं सन एकदम फेस पे पड़ रहा हूँ, व्यूज काफ़ी अच्छे यहाँ से, छोटा सा लेकिन एक बढ़िया एडवेंचर था ये, मज़ा आ रहा था और आ भी रहा अभी मतलब। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट था ब्रह्मजोनी जाने का, बट आई थिंक कि आज शायद जा नहीं पाएंगे क्योंकि यहाँ पे एक और शादी है, जैसे मैं दोस्त के घर आया हूँ तो यहाँ पे एक और शादी है, तो सारे शादी में बिजी रहेंगे ठीक है, तो मे बी हम नेक्स्ट डे ब्रह्मजोन की तरफ निकलेंगे और वहाँ पे 400 से ज़्यादा स्टेयर्स हैं, अपना टारगेट अगला वही है कि हम 400 स्टेयर्स को क्रॉस करेंगे। बट मेरा ऐसा वो नहीं है कि मैं रिकॉर्ड सेट करने जा रहा हूँ यार इतनी जल्दी क्रॉस करना, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मली अपन चढ़ेंगे देखेंगे कैसा है क्या है। मेरे बैग वाले जो पहाड़ है शायद वही है ये ब्रह्मजोनी, कौन से पहाड़, कौन से वाले पे? अच्छा वो सामने वाले पे, ठीक है तो जो पीछे जो पहाड़ है उस साइड ही अपना ब्रह्मजोनी है, वहाँ पे 400 स्टेयर्स हैं। मजा आ रहा है सौर्य? एकदम बढ़िया, बढ़िया ना, मजेदार भाई, बहुत मजा आ रहा है। आज तो यहाँ आए, कल देखने उधर जाएंगे, मजा आया, मजा भैया जहाँ जाओ वहाँ जैसी भी खुदाई दिखी जाती है। हाँ तो यहाँ पे क्या ऐसा सीन है, ऐसा कुछ मान्यता है क्या यहाँ पे, लव दिल बनाओ तो लव मैरिज हो जाता है? ऐसा नहीं है, हो गया दो चार लोग का, जैसे ये काबुल गुड्डू अभी 26 को ही शादी हुई है, तो ऐसा मतलब यहाँ पे एक बार हम भी बना के देखे भाई, सौर्य बना भाई किसी का, जिसे शादी करना उसका दिल बना ले, मतलब दिल बना के नाम लिख दे, कि आपका जो नाम होगा ना इतना हाँ। टिकाऊ होना चाहिए कि टिके तभी आपका, तो मतलब यहाँ पे कुछ ऐसे लाना पड़ेगा, कोड़ लाना पड़ेगा, कोड़ने खोदने वाला लाना पड़ेगा, फिर नाम लिखना पड़ेगा भाई, तो मतलब मेहनत करे तभी तो फल मिलेगा, तो मेहनत करना पड़ेगा। तो भाई अगर जब भी तुम लोग गया हो तो यहाँ पे अपना आके नाम वाम लिख सकते हो,
जल्दी शादी करनी हो तो, है ना। जैसे सौर्या सोच तो रहा है सौर्या कि यहाँ पे नाम लिखेगा अपनी गर्लफ्रेंड का, बट आई डोंट थिंक उसके पास है। डर कहाँ से लगता है? हाँ स्टार्टिंग में डर लगता है, सही बोल रहे। अगर इसमें ना एक ऊपर एक्स्ट्रा रखा हुआ है, अगर वो ना होता तो मेरी फटी ब्लॉक हो गया है। एक और ऊपर नहीं होता ना मेरी फटी थी। नहाने में मजा आता होगा, गर्मी में ठंडा पानी आता होगा एकदम। क्या हो गया? अपन चाय पे जिंदा रहते हैं, लाइफ लाइन है हमारी चाय। तो ठंड लगती है और तूने पंखा चला दिया। ओए होए होए होए, आराम से भाई आराम से। अय है स्लिप करा, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं। बोला था मैंने चप्पल पहन के आना इधर पहाड़ों पे ना, खतरनाक ही है। सो हम डन हो चुके हैं यहाँ से घूम कर, ठीक है वापस जा रहे हैं घर की तरफ। और मज़ेदार था, एडवेंचरस था, बढ़िया था। और हम टंकी पे चढ़ रहे थे तो टंकी पे धूप बहुत लग रही थी, मज़ा आ रहा था, हवा भी चल रहा था, हल्का ठंडा हवा चल रहा था और धूप लग रही थी और मज़ा आया, एंजॉय कर रहा हमें। वाह सो सपैरत चेपे कर रहा है हम लोग को देख के, ये तो मज़ा आया घूम के, एडवेंचरस था। पानी की टंकी पे चढ़ने में तो चढ़ गए, उतरने में थोड़ी सी फट रही थी सबकी। चलो फिर आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, और अगर तुम लोग को ये ब्लॉग पसंद आ रहा है तो जाओ सब्सक्राइब करो चैनल को, नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलना, लाइक करो कमेंट करो, ठीक है। जल्दी मिलते हैं तुम लोग से, बाय बाय।